हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SKG सामान्य ज्ञान चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस और उसके प्रकार। HPGIT एग्जाम में इसमें से दो या तीन क्वेश्चन जरूर आउटपुट डिवाइसेस में से आते हैं, तो आज हम थोड़ा सा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे, डिस्प्ले डिवाइस हो गए, प्रिंटर हो गए, हमारे ऑडियो वीडियो के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए। तो आज हम थोड़ा सा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दी गई कमांड को प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिस्प्ले करते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। ये डाटा को रिसीव करके हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विजुअल हो गया, ऑडियो हो गया, या प्रिंट आउट के तौर पे हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। इनको हम आउटपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस जो हमें डिस्प्ले के तौर पे प्रदान करते हैं या दिखाते हैं, उनको हम जैसे मॉनिटर्स हो गए, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे CRT मॉनिटर्स, LCD मॉनिटर्स, LED मॉनिटर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे CRT मॉनिटर्स क्या होते हैं। CRT मॉनिटर्स को कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। ये सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर 1 मार्च 1973 को रिलीज़ किया गया था। ये पुराने प्रकार का डिस्प्ले डिवाइस होता था, जैसे TV होता था बड़ा सा, उस प्रकार का होता था। ये साइज में बहुत लार्ज और अधिक हैवी होते थे। इसमें पिक्चर को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम को सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता था। असल में कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती थी। आजकल CRT मॉनिटर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी हद तक बंद की जा चुकी है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये CRT मॉनिटर्स ये बहुत बड़े हैवी, बड़े आकार में और हैवी होते थे, और ये ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे इसलिए, और ये जगह भी काफ़ी घेरते थे, इसलिए इनकी अब मैन्युफैक्चरिंग बंद की जा चुकी है। इनकी जगह अब LCD और LED मॉनिटर्स ने ले ली है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे LCD। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आजकल अधिकतर PC में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इसमें पिक्सल की एक लेयर का इस्तेमाल किया जाता था, और ये आकार में काफ़ी थिन और लाइट वेट के होते थे, और ये CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में लेस पावर कंजम्पशन करते थे, लेकिन ये प्राइस के मामले में बहुत अधिक एक्सपेंसिव थे। जैसे कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी थिन और जगह काफ़ी कम घेरते थे। इसके बाद आता है LED लाइट एमिट डायोड्स। जो LED मॉनिटर्स थे वो आज के सबसे एडवांस मॉनिटर इनमें इन्हें माना जाता है। ये फ्लैट पैनल और थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले के साथ आते थे। बैक लाइट की जगह इसमें लाइट एमिट डायोड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था, और बेटर पिक्चर क्वालिटी ये हमें सबसे ज़्यादा देते हैं। ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज को भी प्रोड्यूस करते हैं। LCD के कंपैरिजन में ये लेस पावर कंजम्पशन करते हैं, और ये बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। LED मोटर की सबसे एक डिसएडवांटेज थी कि ये बहुत अधिक कॉस्टली थे, जैसे कि आप ये LED देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स। प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो कि कागज़ पे कुछ इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो कि कागज़ पे कुछ भी निशान नहीं छोड़ते। चलिए अब इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कागज पर इमेज को प्रिंट करने के लिए पेपर के ऊपर इंक रिबन को किसी मेटल या पिन से प्रेस किया जाता है, जिससे सारे करेक्टर उस पेपर पर छप जाते हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक स्लो और नॉइसी होते थे। अभी तक सबसे पुरानी इसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये लो कॉस्ट प्रिंटिंग के लिए बहुत फेमस है। इसकी मांग छोटे उद्योगों में बहुत होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य तीन टाइप्स हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स हो गया, डाइजी व्हील हो गया, और लाइन प्रिंटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजी व्हील प्रिंटर क्या होता है। इसका डिज़ाइन एक टाइपराइटर से काफ़ी मिलता जुलता होता है। इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड बने होते थे। प्रत्येक पिटल में एक करेक्टर या नंबर होता था और पंचमार्क को रिप्रेजेंट करता था। जब आप उस पर पिटल को प्रेस करते हैं तो प्रिंटर रिबन से टकराता है, जिसके परिणामस्वरूप कागज पर वह सब छप जाता है। डाइजी व्हील काफ़ी लाउडली और स्लो प्रिंटर होते थे। इसके द्वारा ग्राफिक को हम प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें खाली करेक्टर या नंबर्स ही प्रिंट होते थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये प्रिंटर डाइजी व्हील।
इसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में टाइनी डॉट्स के संयोजन से करेक्टर को प्रिंट किया जाता था। इसमें पिन या पेपर के बीच एक कार्बन लगा होता था। जब इस पिनों को कार्बन के ऊपर प्रेस किया जाता था तो वर्ड नीचे रखे पेपर पर छप जाते थे। प्रिंटर रिबन या कार्बन के ऊपर जिन पिनों के द्वारा स्ट्राइक की जाती थी उन्हें प्रिंट वायर भी कहते थे। जिस डिब्बे में प्रिंट वायर होता था उसे प्रिंटिंग हेड कहा जाता था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की छवि की गुणवत्ता पर इंच डॉट की संख्या पर निर्भर करती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। इसमें एक ऐसे मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है जो कि एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट करता था। ऐसे करने के लिए इसमें स्पिनिंग ड्रम और लूप चेन का प्रयोग होता था। जैसे ये घूमना शुरू करता था, हैमर के द्वारा पेपर पर ड्रम या चेन के सरफेस पर धकेला जाता था, जिसके कारण पेपर पर वह करेक्टर प्रिंट हो जाता था। क्योंकि लाइन प्रिंटर एक समय में पूरी लाइन को छाप सकता था तो इसे लाइन एट टाइम प्रिंटर भी कहा जाता था। ये अपनी तकनीक के कारण डॉट मैट्रिक्स और डाइजी व्हील प्रिंटर की कंपैरिजन में बहुत अधिक फास्ट प्रिंटर होते थे। जैसे कि आप ये तस्वीर दे सकते हैं, ये प्लॉटर की तरह बहुत बड़ा प्रिंटर होता था। ये एक समय में एक लाइन पूरी छापता था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।